और हरे होने का टाइम हो गया। थोड़ी वही होगी, थोड़ी आएगी ना। ये आप देख रहे हैं भिंता लेक का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है अभी करकोटक का। ये आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार नज़ारा करकोटक मंदिर से नीचे भीमताल का, और बहुत ही बढ़िया व्यू है अभी। क्या है मतलब, मैं उधर को देखूंगा तक का। देखो फिर उधर आ जाए, तो ये हम वापस निकलते हुए नीचे को दत्तात्रेय मंदिर के लिए, जो यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है अभी देखें दोस्तों। तो ये था करकोटक टेंपल, और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं। तो अगर आपको ये मंदिर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी हम जा रहे हैं दत्तात्रेय मंदिर को, और फिर हम नीचे उतरेंगे भीमताल और आपको दिखाते रहेंगे वीडियो। तो बने रहिए, देखते रहिए। अभी हम जा रहे हैं दत्तात्रेय को, करकोटक गांव है, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे को। इनके पंडित जी नानी को अपनी नहीं ना, वो तो हमारे भी हैं, हमारे भी। ये पहुंच चुके हैं हम दत्तात्रेय मंदिर। ये करकोटक से आधा किलो 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और काफ़ी कम लोग आते हैं यहाँ। करकोटक तो आते हैं बट यहाँ नहीं आते। तो ये कुटिया है बाबा जी की, दत्तात्रेय मंदिर, और ये हमारे शांतिगढ़ यहाँ पर आते हुए। तो ये बाबा जी की कुटिया है, दत्तात्रेय मंदिर है ये दोस्तों। ये आप देख रहे हैं दत्तात्रेय मंदिर, तो ये बहुत ही अनसाइंड टाइप का मंदिर लग रहा है। और ये मंदिर है दत्तात्रेय मंदिर है, ये मंदिर है। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये 500 साल पुराना मंदिर है दत्तात्रेय आश्रम, प्राचीन मंदिर। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तप और जप और ध्यान मगन रहते थे। उसके बाद में नैनीताल से शाह लोग आते थे यहाँ पर, वो हवन पूजा भंडारा लंगर शियों के बीच में आकर अखंड रामायण दिया भक्ति भक्ति घंटा घड़ियाल सब बजाते। फिर उसके बाद में भगवान की कृपा को हनुमान जी की दत्तात्रेय की आश्रम की कुछ ऐसी आशीर्वाद हुआ, वो ऋषि मुनि यहाँ पर रहते थे। तो राजा साहब नेपाल से चलकर आ गए
वहाँ पर कुछ हुआ आपस में उनके कुटुंब परिवार में, तो कुछ हुआ उनका आपस में बैर थोड़ा बहुत हुआ, तो वो चल कर इधर को आ गए, हनुमान जी के शरण में आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने भी ध्यान हनुमान जी के चरणों में लगा दिया, तो भगवान बचाना, शत्रु लग गए हैं पीछे, भगवान लोगों से उनसे शत्रुओं से थोड़ा राहत दिला देना। तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए राजा साहब ने, बजान के राजा, यहाँ सब ध्यान लग गया राजा का, भगवान की कृपा से चरणों में अच्छी भक्ति राजा ने की, ध्यान करके उनका उम्र पूरी हनुमान जी के चरणों में यहाँ पर हो गई। इसीलिए धीरे धीरे चलता आया मंदिर। उसके बाद में जब साधु संतों पे ऋषि मुनियों पे अपना बुढ़ापा आ गया, तो शरीर चोला बदल उनको करना ही था, उनका चोला बदल हो गया, फिर कोई देखने वाला भालने वाला कुछ नहीं, फिर ये खंडर रूप में आ गया, खंडर रूप में आ गया, तो खंड रूप में करीबन 40 साल 45 साल खंड रूप में पड़ा रहा। उसके बाद में ध्यान लगा कुछ भीमेश्वर मंदिर में, कुछ पूजा पाठ ध्यान में बैठे हुए थे वहाँ पर, वहाँ से ध्यान लगा, शिव जी ने आदेश दिया, इधर से हनुमान जी का आदेश हुआ, वो चलो हनुमान जी के चरणों में थोड़ा उसका खंडर हो चुका है तो उसको थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं। उसका उसके बाद में फिर ये पिछली पीढ़ी चली है, ध्यान लगाए है हनुमान जी के चरणों में, पूजा भक्ति ध्यान से चला है, जैसा कि हनुमान जी के चरणों में चला है, हनुमान जी को मालूम है, भगतगण आते रहते हैं, सब कुछ जिसको आदेश हो जाता है वो आ जाता है, जिसको आदेश नहीं होता है वो नहीं आता है। इसलिए इसकी पुरानी कथा यही है, बेशक हनुमान जी की तरफ से बोले जाते हैं, पूरा नाम तो ऐसा ही ठहरा, दत्तात्रेय आश्रम कहते हैं, और नाम नीचे से आए तो भीमेश्वर मंदिर, कैचला माता और कर्कोटक नागराज दत्तात्रेय आश्रम, ये पूरा नाम ऐसे आ गया, भीमेश्वर से नंबर लगता है, कैचला माता से, फिर ऊपर कर्कोटक नागराज, सिर के ताज, फिर ऊपर दत्तात्रेय आश्रम से माना जाता है। इसलिए प्राचीनता और 500-600 साल प्राचीन हो गई है, इसको प्राचीनता में आ गया है, 500-600 के ऊपर में आ गया है, अब ये लीला है, जंगल का मंगल चला हुआ है, प्रभु की लीला चली हुई है, भगत लगन अखंड बैठे हैं, आते रहते हैं, अपना ध्यान मगन करते रहते हैं। कह रखा है हनुमान जी ने, अखंड रामायण करो, पूजा करो, सुंदर कांड करो, हनुमान चालीसा करो, पढ़ो लिखो, अपना ध्यान मगन रहो, इसलिए अपना ध्यान मगन रहोगे तो शरीर को थोड़ा शांति मिलती रहेगी, आराम मिलता रहेगा, अपना ध्यान मगन चलता रहेगा। ये सनातन धर्म है, ये इसमें सनातन धर्म में कोई भगत ही बिरला ही कर पाएगा, बाकी किसी के बस की नहीं होता है, तो सभी तरह के प्रकार के प्राणी हैं, भगत जगण है, इसलिए सभी तो ब्राह्मण देवता जिंदाबाद हैं अभी, जो अपना ब्राह्मण अपना विधि विधान से पूजा पाठ अपना ध्यान लगाता है, किसी यजमान की भी पूजा करना करनी पड़ती है ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण अपना ध्यान ज्ञान से अपना मन उसको शांत फैस करके अपना भगत की पूजा यजमान की कराता है कराता है। इसलिए ब्राह्मणों से कभी भगवान की कृपा से बहुत बड़ा वो है, ब्राह्मण से सब शुद्ध हो जाता है। तो ऋषि मुनि को ये तो प्राचीनता है, ऋषि मुनियों की तो प्राचीनता है, तब तो दृष्टि ये राक्षस लोग थे उस समय, तो राक्षस लोग थे उस समय, जिस समय ऋषि मुनि तप और जप करते थे यहाँ पर, तो राक्षसों के बीच में ऋषि मुनि आ गए, तो फिर ये राम लक्ष्मण हनुमान श्री राम भगवान की इनके पे ऊपर कृपा हो गई, तो इन्होंने सब शत्रुओं का राक्षसों का नाश कर दिया, नाश कर दिया, तो सबसे सनातन धर्म भगवान की कृपा से गीता भागवत इतिहास महाशिव पुराण देवी भागवत ये सब चले हैं, सब चले हैं, सब देख रहे हैं, अपना ध्यान ज्ञान से कर रहे हैं, सब प्रभु की लीला है नारायण। तो जय श्री राम, ऐसा ही है सब श्री राम का। तो ये आपने देखा यहाँ के जो बाबा जी हैं दत्तात्रेय आश्रम भीमताल के, उन्होंने आपको यहाँ के बारे में इतिहास बताया, और अभी हमने आपको मंदिर भी दिखाया था दत्तात्रेय, जो हनुमान जी का यहाँ मंदिर है। अब हम थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं। रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर।
कर राम दुलारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम हरि भक्त कहाई और देवता के तन धरई अनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब। दोस्तों ये है देखिए दत्तात्रेय आश्रम और यहाँ भजन और आरती का प्रबंध और इसके बाद हम जाएंगे नीचे को वापस। तो आपको यही बताना चाह रहा था कि इसके बाद हम नीचे को जाएंगे और ये आरती है। पार्वती फतेह हर हर महादेव। ये अब हम वापस लौट रहे हैं यहाँ से भजन करने के बाद, तो अब निकलते हैं वापस करकोटक, फिर वहाँ से हम नीचे जाएंगे भीमताल के लिए। तो देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों ये वापस जाने लग गए हम भीमताल को और ये दूसरा रास्ता है करकोटक के लिए। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और आपको रास्ते का व्यू देते हुए चलते हैं। ये हम उतर रहे हैं सांगुड़ी गांव से नीचे को, ये डाट का व्यू। फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं और अब वापसी हम नैनीताल को कर रहे हैं। तो ये था करकोटक टेंपल और आपको आज हमने करकोटक टेंपल के बारे में दिखाया। तो बने रही वीडियो में, आगे भी इसी तरीके की प्लेसेस देखने के लिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।